देख सकते हैं गाइस कितनी ट्रैफिक है, कितनी तादाद में गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है और लोग यहीं पे गाड़ियाँ पार्क करके बंद करके सभा के जहाँ पे सभा है वहाँ तक गए हैं गाइस। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है अभी वो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, आई होप आप सब लोग ठीक होगे। तो आज है 14 अक्टूबर, महाराष्ट्र के इतिहास में आज का जो दिन है वो लिखा जाएगा। इतनी बड़ी और इतना इम्पोर्टेंट आज का दिन रहने लगा। मैं आपको बताता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज है महाराष्ट्र में अंतरवली के अंदर मराठा आरक्षण के लिए जो आज सबसे बड़ी सभा होने लगी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी सभा ना कभी हुई होंगी ना कभी होने वाली। तो गाइज अभी अपन जा रहे हैं सरेटी अंतरवली, मराठा आरक्षण के लिए सपोर्ट कर रहे हैं गाइज, अपन समर्थन में, मराठा आरक्षण के समर्थन में हम जा रहे हैं गाइज आज सिरसदीवी से। और आज हमारे यहाँ सिरसदीवी में हमारे गाँव वालों ने जो मराठा आरक्षण के लिए जो गाड़ियाँ जा रही है उनके लिए चाय और नाश्ते की नाश्ते का इंतजाम किया है गाइस। तो मैं आपको दिखा दूँ आज चाय और नाश्ते का इंतजाम किस तरीके से किया है। आज सवेरे से रात से लेकर उन्होंने इंतजाम किया है इतनी बड़ी सभा होने लिए, बहुत बड़ी सभा है, पूरी तरीके के इंतजाम कर चुकी है गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इंतजाम है, कैसा ताम झाम है, और आप मार्केट भी दिखा दो, पूरी तरीके से बंद है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं गाइस। इतिहास में इतनी बड़ी सभा नहीं होंगी गाइज, आप कंटिन्यू करिए ऐसे ब्लॉग में। देख सकते हैं गाइज जो हमारे सिरसदीवी पे जो मराठा समाज के लिए जो आरक्षण के लिए जो गाड़ियां जा रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पे खाने का, नाश्ते का, पानी का सबका इंतजाम किया है। ये देखिए ये बंडो पटाई और ये अप्पा डवरे जो कि, और ये देखिए गाड़ी जा रही है अभी मराठा आरक्षण के लिए, तो उनको रोकते हुए चाय पानी के। चलिए तो गाइज अभी आप निकल रहे हैं सराठी अंतरवाली के लिए, तो फिर आपको दिखाते हैं रास्ते के व्यू भी किस तरीके के रहने वाले हैं। वहाँ पे तो घोड़े रोड लेके नहीं जा सकते, तो हम बाइक पे जा रहे थे, दिखाते हैं। फिर भी इतनी ट्रैफिक हो चुकी थी कि आप देख सकते हो ये सागर है, यहाँ से 12 किलोमीटर सराठी अंतरवली अभी जाना है, तो यहाँ से लेकर तो सराठी अंतरवली तक पूरी तरीके से ट्रैफिक थी, पूरी तरीके से जाम था। थोड़े साइड बाय साइड से मोटरसाइकिल जा रही थी गाइस, तो हमने ड्रोन फ्लाई करके देखा, लगभग पैटल फाटे तक ड्रोन फ्लाई करके देखे गाइस, तो वहाँ तक भी ट्रैफिक ही थी गाइस। तो फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे पैटल फाटे पे जाते हैं, फिर वहाँ से ड्रोन फ्लाई करके देखते हैं आगे कहाँ तक ट्रैफिक हम लोग को देखने को मिलती गाइस। बहुत ज़्यादा जाम था, लोग कल से आ रहे थे, कल शाम से आ रहे थे, पार्किंग एरिया फुल हो चुका था, इतनी ट्रैफिक थी, बहुत ही लोग एक्साइटमेंट भी लोगों की बहुत ज़्यादा थी सभा तक जाने के लिए, जो कि मनोज जरांगे पाटिल को सुनने के लिए आए थे, जो दूर दूर से पूरे महाराष्ट्र में से पब्लिक आई हुई जो उनको सुनने के लिए आई हुई। तो बहुत ही एक्साइटमेंट, अलग एक्साइटमेंट से आए हुए लोग, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता गाइस। आप देख सकते हो कितना बड़ा मजमा है, ना कभी किसी ने देखा होगा गाइस, ना इतनी कभी ट्रैफिक हुई होगी रोड पे, पूरी तरीके से रोड्स ब्लॉक हो चुके थे, जो कि आगे जाकर मैं आपको और ड्रोन शॉट्स दिखाने वाला हूँ गाइस। ये अभी सागर है, सागर से लेकर तो सराठी अंतरवली तक लगभग तकरीबन 12 किलोमीटर तक ये लाइन है, और आप देखिए अपनी आंखों से कितना जबरदस्त नजारा नजर आ रहा है गाइस। जैसे कि गाइस देख सकते हैं अभी आप, अभी तो सागर के पास ही है अपन, और यहीं से इतनी ट्रैफिक है बिल्कुल गाड़ी पास नहीं हो सकती। तो अभी अपन टू व्हीलर पे से उतर के पांडुरंग के होटल तक जाएंगे, और वहाँ से अपन ड्रोन फ्लाई करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस कितनी ट्रैफिक है और अभी कितने दूर तक अपने को जाना है गाइस। बने रहिए ऐसे टाइम टाइम के अपडेट के लिए, अब मैं आपको ट्रॉफी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस दोनों साइड से गाड़ियाँ फुल हो चुकी है, आने जाने में दोनों साइड से गाड़ियाँ जा ही रही है, फिर भी आप देख सकते हैं कितनी मोटरसाइकिल देखिए बिल्कुल पास नहीं हो सकते, कितनी ट्रैफिक हो चुकी है गाइस अभी इधर। और अभी तो सभा होने को चालू हुए में, जैसे कि गाइस दोनों साइड से गाड़ियाँ फुल हो चुकी थी, तो लोगों ने यहीं पे गाड़ियाँ पार्क की और ये डिसीजन लिया कि यहीं से पैदल सभी तक जाते हैं। तो देखिए लोग किस तरीके से रोड पे गाड़ियाँ पार्क करके, क्योंकि आगे तो गाड़ियाँ जा नहीं रही थी और सभा चालू होने में कुछ ही टाइम बाकी था, तो लोग पैदल ही निकल चुके थे। अब देखिए दोनों साइड से लोग आपको पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब लोग यहीं से 12 किलोमीटर लगभग
12 किलोमीटर तक अंदर हुई सरडी अंदर होली, तो वहाँ तक ये लोग पैदल जा रही है गाइस। आप देख सकते हो कितना मजमा है, कितनी पार्किंग है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं रोड्स, पूरी तरीके से भर चुके हैं, और ये हाईवेज का हाल है गाइस। तो आप पार्किंग में सोचिए कितना जबरदस्त क्लाउड होगा गाइस, कितनी ज़्यादा तादाद में पार्किंग में लोग होंगे गाइस, आप सोच सकते हो। तो हम तो वहाँ तक नहीं जा पाए गाइस, क्योंकि हम लोग हम सागर से रिटर्न आए थे। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सागर पे जो फुटेज मिली मेरे को ड्रोन की, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से मैंने सागर से ये ड्रोन फ्लाई किया था गाइस। अब देखिए सब तरफ रोड पूरा भर चुका है, और मैं आपको इधर से ये साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कारखाने तक गाड़ियाँ जो ट्रैफिक नज़र आ रही है गाइस, महाकाला कारखाने तक पूरी ट्रैफिक है, जो कि उड़ी गुजरी फाटे के पहले ही मिलता है महाकाला कारखाना, और उसके आगे फिर उड़ी गुजरी फाटा है, फिर सारा अंदर होली गाइस। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक होंगी, बहुत ही पब्लिक आई होती। और गाइस ये जो सामने नज़र आ रहा है महाकाला कारखाना है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रोड ब्लॉकेज है वहाँ तक भी, और वहाँ से आगे का नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए कितना पूरे रोड ब्लॉकेज है, तो लोग यहीं पर गाड़ियाँ पार करके यहीं से पैदल जा रहे हैं गाइस, वहाँ तक जो तक सभा का जहाँ पे सभा मंडप है वहाँ तक तो लोग पैदल ही जा रहे हैं। जैसे कि गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, आगे जाना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी आप यहीं से रिटर्न जा रहे हैं। मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ, कुछ जो मैंने यहाँ पे लिए, बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट्स लिए गाइस। इतनी पब्लिक और इतनी ज्यादा तादाद, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए गाइस। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना क्लाउड है और कितनी पब्लिक, आप देख सकते हैं। तो देखिए कल से जो गाड़ियाँ आने के चालू हो गए थे, अभी तक गाड़ी आ गई, ये देखिए कितना जाम लग चुका है, सब तरीके से सब तरफ फुल पूरी तरीके से जाम है। और ये देखिए गाइस लोग सागर के अंदर ही गाड़ियाँ पार्क करके, ऐसे डिवाइडर के अंदर गाड़ी पार्क करके यहीं से पैदल जा चुके हैं, यहीं से पैदल निकल रहे हैं, यहीं पर गाड़ियाँ पार्क करें गाइस, क्योंकि आगे तक जाना पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, पार्किंग एरिया फुल हो चुका है। ये देख सकते हैं गाइस कितनी ट्रैफिक है, कितने दाजे तादाद में गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है, और लोग यहीं पे गाड़ियाँ पार्क करके बंद करके सभा के जहाँ पे सभा है वहाँ तक गए गाइस। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है अभी वो, फिर भी यहीं से लोग जा चुके हैं। मैं आपको ड्रोन फ्लाई करके दिखाता हूँ गाइस कितनी क्लाउड है, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे। जान होईन ना, पाय पाय जर गेले तर तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी ट्रैफिक हो चुकी है गाइस यहाँ पे, और लोग जो गाड़ियाँ रोड पे ही पार्क करके सभा के जहाँ पे सभा है वहाँ तक जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ पार्क की है, और कुछ लोग अभी यहीं पे बैठे हैं। तो चलिए मैं आपको कवर अप करता हूँ, अभी यह है सागर जो कि अंतरवली नहीं है, और अंतरवली के अगर आप देखेंगे तो अंतरवली में जाना तो पॉसिबल नहीं था गाइस मेरा, क्योंकि गाड़ी नहीं जा रही थी। हमने मोटरसाइकिल अभी निकाली है लेफ्ट साइड से, और अभी अपन पैदल चल रहे हैं। मैं आपको दिखा तो देखिए लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं गाड़ियाँ ट्रैफिक में से निकालने की, तो मुश्किल है, नहीं निकल सकती गाइस, इसलिए आपको यही ये लोगों को यहीं पर गाड़ियाँ पार्क करके पैदल जाना पड़ेंगे सभी जहाँ पे सभा है वहाँ तक के लिए। ये देखिए लोग अभी भी फंसे हुए ट्रैफिक में, जो कि सभा अभी तक चालू नहीं हुई गाइस, लेकिन ये देख सकते हैं आप यहीं पे, और देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से पार्क कर रहे हैं लोग, यहीं पे पार्क करके दौड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं गाड़ी पलटाने की, लेकिन पलटा नहीं सकते गाइस, पॉसिबल नहीं है पलटाना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी है, जो कि जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा क्लाउड आ गया है। पूरे महाराष्ट्र में से लोग आए ले, जो कि कल से चालू थी। और जैसे कि गाइस अभी अपन रोड पे चढ़ रहे थे ट्रैफिक में, अपने को एक सांगोले से जो आई हुई गाड़ी वो मिल चुकी है, तो अभी इनसे बात करते हैं, मैं आपको बात करके दिखाता हूँ कहाँ से आई है। कहाँ से आए हो आप? सांगोला। कब निकले थे? सवेरे 5। सवेरे नाश्ता किया? किया ना। खाना बिना खाया रास्ते में? रास्ते में। तो आप लोगों को आप क्या करना पड़ेगा, गाड़ी इधर ही पार्क करके आप पैदल जा सकते हो सवेरे के सवेरे तक। जरूर जाएंगे। हाँ, कितना भी टाइम लगे लेकिन जाएंगे, उधर जाएंगे। जाना ही चाहिए ना, क्या जाना ही चाहिए, अपना आदमी सपोर्ट करना है, आरक्षण तो लेकर ही रहेंगे रहेंगे बिल्कुल। आते वक्त मुस्लिम बांधव ने नाश्ते का अच्छा, बहुत अच्छा बनाया, अहमदपुर वाले आदमी है, गेवरे के पास अहमदपुर वाले ने बनाया। अच्छा,
तो भाईचारा तो अपना बनता है, अपना सदियों से चलते आ रहा है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का नहीं क्या? ये तो है, कुछ लोग है जो कि बदनाम करने में तुले हुए है, नहीं क्या? हिंदू मुस्लिम को ये रिश्ता तो अपना कायम का है, पहले से सदियों से चलते आया, और ये ऐसे ही बरकरार रहेगा मोहब्बत अपनी। बड़े लोग जो है ना, हमारे गांव में भी हमने अभी तक सवेरे से 6 बजे से लेके मैं 10 बजे तक वहीं पे था। हमारे गांव में भी हमने नाश्ते का, चाय पानी का नियोजन कर रहे थे। इधर बहुत बड़ा बना है। हाँ, इधर बहुत बड़ा है ना, गेवराई में कम से कम 50-60 लोग रुपए, 50-60 लोग खाना बनाने को खिलाते रहे, चाय पिलाते, पानी। चलो आप क्या करो, इधर ही गाड़ी पार्क करके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो।